दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का GT20 Pro 5G फोन जो कि ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। ये फोन कब इंडिया में लॉन्च होगा और इसका इंडिया में क्या प्राइस होगा ये जानने के लिए काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों का वेट अब खत्म हो चुका है क्योंकि इसको लेकर एक अपडेट निकल कर आ चुकी है जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फोन कब इंडिया में लॉन्च होगा, इसका क्या प्राइस रह सकता है। उसके साथ में हम आपको इसके कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन भी बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G फोन के डिजाइन की। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो इस फोन के अंदर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया है जो कि देखने में काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर आपको बैक साइड में ग्लास बैक डिजाइन दिया गया है और जो ये डिजाइन है ये गेमर्स को टारगेट करते हुए बनाया गया है। ऊपर की साइड आपको बिग कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप और ऑरा लाइट देखने को मिल जाती है। वहीं आपको फ्रंट साइड में सेंटर पंचोल डिस्प्ले दी गई है जो कि एक फ्लैट डिस्प्ले है और इसके अंदर आपको बेजल्स और चिन काफी कम देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के मामले में तो ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अब हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको यहाँ पर HDR10+1 billion कलर्स और 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक फ्लैट डिस्प्ले दी गई है तो बेजल्स और चिन तो आपको इस फोन के अंदर ना के बराबर देखने को मिल जाएंगे और जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी आपका काफी बेस्ट रहने वाला है। ये फोन पावर्ड बाय होगा MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट से जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ये काफी फास्ट प्रोसेसर है जिसके अंदर आप अपने डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क बिल्कुल इजीली कर लोगे। अगर इसके एंटिटी स्कोर की बात की जाए तो वो आपको 9 लाख के अबव देखने को मिल जाती है जिसका मतलब ये है कि फोन के अंदर आपकी गेमिंग और स्क्रॉलिंग काफी फास्ट होने वाली है। कैमरा सेगमेंट की बात की जाए तो इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें कि मेन कैमरा आपका 108 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद OIS सपोर्ट, उसके साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। वहीं आपको फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इस फोन के अंदर आप 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको JBL के स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ में आपको IR ब्लास्टर, NFC और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे काफी अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं। बैटरी की बात की जाए तो इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, उसके साथ में आपको 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 और XOS 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और यहाँ पर आपको 2 ईयर्स के OS अपडेट भी मिलने वाले हैं, मतलब ये फोन एंड्रॉइड 16 तक जाने वाला है। अब हम बात करते हैं इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G फोन के इंडिया प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट की। तो लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन का बेस वेरिएंट आपको इंडियन मार्केट में 22,000 rupees के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा और डिस्काउंट और कार्ड लगाने के बाद इस फोन को आप 20,000 rupees के अप्रोक्स बाय कर सकते हो। बाकी इसके इंडिया लॉन्च डेट की बात करें तो आप लोग देख सकते हो इन्फिनिक्स इंडिया खुद इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है इंडिया में लॉन्च करने के लिए और पोस्ट करे जा रही है। तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन आपको इंडियन मार्केट में 15 से 20 मई के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन और अपडेट इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G फोन के बारे में जो कि हमने आपको बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपको इस फोन के अंदर कौन सा फीचर पसंद आया कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।